अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक जो मोस्ट रिसेंट एक एक्टिविटी है और जो हमारे एक इस्लामिक इवेंट आने वाला है हज, उसके हवाले से है। हज का सीज़न आ गया है, हज की एप्लीकेशन जमा हो रही हैं और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो हज अदा करे, बशर्ते कि वो साहिब इस्तेआत हो। अब इसमें मैंने देखा कि बहुत से चैनल्स पे, बहुत से सोशल मीडिया पे बातचीत हो रही है कि पिछली गवर्नमेंट में हज का पैकेज क्या था और इस गवर्नमेंट में हज का पैकेज क्या है, और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे यही डिबेट हो रही है कि पिछली दफ़ा हज का पैकेज बहुत कम था और इस दफ़ा हज का पैकेज बहुत ज़्यादा है। उसकी एक्चुअल फाइंडिंग्स पे बात नहीं हो रही कि उसकी एक्चुअल फाइंडिंग्स क्या है, उसकी एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है कि जिसकी वजह से पहले कम था और अब ज़्यादा है, और ये भी हाईलाइट नहीं किया जा रहा कि हु इज़ द कल्प्रेट बिहाइंड दिस सिस्टम। तमाम सोशल मीडिया पे या तो ये बात हो रही है कि डॉलर पहले कम था अब ज़्यादा है इस वजह से ये प्राइस बढ़ गई हैं, या फिर ये बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी ख़त्म कर दी है। सब्सिडी तो नो डाउट ख़त्म कर दी है, डॉलर का प्राइस भी अभी ऊपर है। इन दोनों बातों में तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल मानने वाली बात है। लेकिन जो बेसिक कल्प्रिट सिस्टम है इसको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना सोशल मीडिया, ना हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को का इख्तियार है ये, गवर्नमेंट हमसे सवाल कर सकती है, गवर्नमेंट ताजिर से सवाल कर सकती है, गवर्नमेंट हर एक से सवाल कर सकती है कि बेसिकली, और ऐसी इस्लाहत ला सकती है कि सिस्टम सही करने के लिए जिसपे इस्लामी जो हमारे त्यौहार हैं उनकी खरीदो फरोख्त को रोका जाए। किसी चैनल पे ये बात नहीं होती कि आप गवर्नमेंट के एंड पे तो सब बातें कर रहे हैं कि पैकेज बढ़ा दिया, पैकेज कम कर दिया। कभी आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि गवर्नमेंट के पैकेज तो अभी इतना बड़ा है, आप ज़रा किसी ट्रैवल एजेंसी पे जाएं तो सही और प्राइवेट हज का पैकेज लें, आपको लग पता जाएगा कि प्राइवेट हज का पैकेज कहाँ है, किधर जा रहा है। तो हु इज द कल्प्रिट, हम कल्प्रिट को वो नहीं कर रहे, हाईलाइट नहीं कर रहे, हम सिस्टम का इशू नहीं बता रहे कि बेसिक हमें किस किस जड़ पे जाना चाहिए, किसको पकड़ना चाहिए। हम सिर्फ गवर्नमेंट पर लानतान कर रहे हैं अभी भी कि उन्होंने हज का पैकेज महंगा कर दिया। हम ये सुनने समझने से कासिर हैं कि इसका परमानेंट रेजोल्यूशन क्या है, हम ये बात ही नहीं करना चाह रहे। आज मैं आपको ये हाईलाइट करता हूँ कि ये किस तरह इसका रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देखा होगा गवर्नमेंट अपने ओन पे सारे डिसीजंस लेती है, सब्सिडी ख़त्म करती है, लेकिन गवर्नमेंट ताजिर से ये नहीं पूछ रही, ट्रेवल एसोसिएशन से ये नहीं पूछ रही कि वो अपना प्रॉफिट क्या इस दीनी इबादत के लिए ख़त्म करने को तैयार हैं। कोई पूछगछ नहीं है, गवर्नमेंट ओन कर रही है, ताजर ओन कर रहा है मुल्कों के नहीं कर रहा, कोई पूछने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, हमें फैसिलिटेट कर रही है, ताजर सिर्फ अपना प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज कर रहा है, अपनी दिहाड़ी मैनेज कर रहा है। उसको इंतज़ार होता है दीनी कोई भी मौका आने का जिसपे वो हमें आपको टिका के लूट सके और बता सके कि इस्लाम ऑन सेल है, दीनी इवेंट्स ऑन सेल हैं, यही उसकी दिहाड़ी का वक्त है। गवर्नमेंट इस मामले में भी पिन पॉइंट हुई जा रही है कि इनकी इस्लाहत सही नहीं है, इनके डिसीजन सही नहीं है, इनकी चीज़ें सही नहीं है। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि, और मुझे पता है कि वो आगे इस पर भी आएंगे, इतना माशाल्लाह ग्राउंड रियलिटी में जाके सोच रहे हैं, लेकिन आज में आने के बजाय अभी आएँ क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है, फिर बकरीद भी आ रही है, इस इस्लामी दिहाड़ी को ख़त्म करवाएं। बेसिकली ताजिर कल्प्रेट है इस सिस्टम में जो हमें डसे जा रहा है। किस तरह डसे जा रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। एक लफ्ज़ होता है इस्तताअत, आप किसी से भी सुन लें कि अगर तुम्हारी इस्तताअत है तो तुम हज कर सकते हो, अगर तुमने किसी से उधार नहीं लिया हुआ तो तुम हज कर सकते हो। मेरी इस्तताअत जो भी है, मेरी इस्तताअत को गेज करने वाला ताजिर कौन होता है? ताजिर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इतना बढ़ा के बैठा हुआ है, इतना उसको इस इस्लामिक इवेंट से कमाना होता है पूरे साल के अपना अखराजात पूरे करने के लिए, कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेरी इस्तेआत में फिट करता है। अब मेरी इस्तेआत जो भी है, मैं जिस तरह भी कमा रहा हूँ, जिस तरह की अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, इस ताजिर की प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से, इस ताजिर की मुनाफाखोरी की वजह से, मौका परस्ती की वजह से हज पैकेज हो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और जब उससे पूछो कि भाई इतना महंगा आप हज पैकेज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उस पर कोई क्रॉस चेक नहीं है, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जहां गवर्नमेंट खुद इतना फेस कर रही है इशूज़ को, इस करंट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जहां गवर्नमेंट पर खुद इतने सवाल जवाब उठ रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ताजरों को पकड़ती?
जहां आप देख रहे हैं नाजायज घर बने हुए, नाजायज मार्केट बने हुए, आप तोड़ते फिर रहे हैं, आप क्यों नहीं ट्रेवल एसोसिएशन से सवाल कर रहे हैं कि मेरे भाई जिस वक्त हज का सीजन आता है क्या सऊदीया के होटल्स को पता चल जाता है कि हज आ गए और वो उनकी दीवारें चीख चीख के कह रही होती हैं महंगा करो महंगा करो महंगा करो। क्या जो जहाज यहाँ से आ रहे हैं और जा रहे हैं क्या उनको पता चल जाता है, और जहाज आपसे उड़ते वक्त चीख चीख के कहते हैं महंगा करो महंगा करो महंगा करो। ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, हम इनके कंट्रोल में नहीं हैं। होता क्या है कि जिस वक्त ये दिहाड़ी का सीजन लगता है उस वक्त हर मुसलमान बेताब ताजिर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखता है, अपने मकसद को देखता है, दीन को सेल करता है, अपने इस्लामिक इवेंट को सेल करता है। तो फिर ये बात मैं क्यों ना कहूँ कि जितने नॉन मुस्लिम्स हैं और जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, हमने बहुत से मुल्कों में ऐसी मिसालें देखी हैं कि जब उनके कोई रिलीजन बेस्ड इवेंट्स आते हैं तो वहाँ चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन हमारे जब रिलीजियस बेस्ड इवेंट्स आते हैं तो हमें दिहाड़ी लगाने का इंतज़ार होता है। गवर्नमेंट अपने ऊपर बहुत से सवाल खड़े कर रही है, बहुत सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम एंकर्स इनको इस पर लान तान कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ताजरों की तरफ आए, इनसे पूछे कि भाई मेरे लिए, मेरी इस्तेदात को चैलेंज करने वाले ये कौन होते हैं, मेरी इस्तेदात को गेज करने वाले ये कौन होते हैं। क्यों नहीं एक पैरामीटर सेट कर दिया जाता है कि जहाज़ का टिकट पूरे साल इतने का था, हज के टाइम पे भी इतने का होगा, फ्यूल जहाज़ में उतना ही डलता है, अभी भी उतना ही डलेगा, तो कराची से सऊदीया तक का या लाहौर से सऊदीया तक का या पूरे पाकिस्तान से या किसी भी इस्लामिक मुल्क से सऊदीया तक का सफ़र जितने में पूरे साल में हो रहा था अभी भी उतने में होगा। कौन टिकट के प्राइसेस बढ़ा रहा है, कौन वीज़े के प्राइसेस बढ़ा रहा है, कौन वहाँ पे, इनके आपको पता है ट्रेवल एजेंसियों की अपनी होटलों की सेटिंग होती है, वहाँ पे हमें बताया जाता है 200 किलोमीटर वहाँ से निकलता है 400 किलोमीटर की दूरी, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे, इवन इतनी औकात नहीं है किसी ट्रेवल एजेंट की कि वो एक मुसलमान को ट्रेवल एजेंसी के पैकेज के साथ दो वक्त का खाना दे सकें। और मेरा रब फिर भी हम सबको अता कर रहा है, लेकिन हम इस्तेदात 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 के पीछे एक तबका दबे जा रहा है, पिसे जा रहा है, सिर्फ ख्वाहिश रखता है कि मैं हज पे चला जाऊं या मुझे हज की सादत नसीब हो जाए, और एक तबका इस्तेदात के नाम पे फ़ायदा उठाया जा रहा है, इस्तेदात के नाम पे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बनाया जा रहा है, दो चार महीने की दिहाड़ी इतनी बेहतरीन लगाता है पूरे साल बैठ के खाता है। ये तो हो गई हज की बात जिस पे किसी ताजर को क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। अभी कुछ मैं दो महीने गुजरने दे, रमज़ान आ रहा है, मैं गवर्नमेंट से ही पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट इस पर पहले से ही एक्शन ले ले, बाद में फिर वही गवर्नमेंट पे लानतानों की मीडिया चैनल्स की सुर्खियाँ बनेंगी। रमज़ान से एक हफ्ते पहले सब्जी की कीमत आसमान पे पहुँच गई, फ्रूट की कीमत आसमान पे पहुँच गई, क्या सब्जी को पता चल जाता है कि रोज़े आ रहे हैं और लोग मुझे ज़्यादा खाएंगे तो मैं महंगी हो जाऊँ, क्या फलों को पता चल जाता है कि रोज़े आ रहे हैं और हम अपने दाम बढ़ा दें। ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हम मुनाफा खोर, हम मौका परस मुसलमान रोज़े को भी बेचते हैं, लेकिन इस पर कोई चैनल बात नहीं करता, इस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछता नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट को लानतान करनी, एक्चुअल जो रियलिटी है उसको कोई फेस नहीं करता। गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हज का तो अब चलें, जो होना था वो हो गया, ट्रैवल एसोसिएशन को आप क्वेश्चन करें या ना करें, मैंने ये चीज़ हाईलाइट कर दी जो किसी चैनल पर हाईलाइट नहीं हो रही है। दो महीने बाद रमज़ान आने वाले हैं, क्या रमज़ान के लिए भी हम यही जहन बना लें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे स्लाइड चलेंगी कि भाई ये हो गया, इतनी महंगाई हो गई, अभी से तवज्जा दें, ये मौका परस टोला फिर महंगाई करेगा, इसको कोई लगाम देने वाला नहीं है, फिर उसके दो महीने बाद बकरीद आएगी। आप ज़रा मंडी तो जाएं, 1 लाख से नीचे का जानवर आपको हाथ नहीं रखने देते, और 1 लाख का भी ऐसा जानवर होता है कि उस पर सिर्फ बेचारे के हड्डियों का ढांचा ही होता है, और उस पर जो व्यापारी बैठा है वो ये कहता है कि अल्लाह के नाम पे जितना दोगे अल्लाह तुम्हें उतना ही देगा, तो अल्लाह के नाम पे देना क्या उसकी जेब है, मैं उसकी जेब में जब पैसे डालूंगा उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, उसके लूट मार के मुताबिक, उसकी मौका परस्ती के मुताबिक, उसकी मुफाद परस्ती के मुताबिक, तो अल्लाह की राह में जाएगा। हम मुसलमान क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि हम अपने इस्लामिक इवेंट्स को सेल कर रहे हैं, इबादत में तिजारत कर रहे हैं, इबादत में तिजारत कर रहे हैं, लेकिन इस इबादत को, इस तिजारत को जो ये इबादत बना के बेच रहे हैं इसमें कोई सुनवाई नहीं है, और फिर कहते हैं कि हम हलाल का कमाते हैं। हर मुसलमान इस जो भी
मुख्तलिफ शोबों से रिलेटेड है, वो इतना इतना प्रॉफिट रख रहा है, 100 रुपये कमा के 100 रुपये लगा के 1000 रुपये कमाने चाहता है और फिर कहता है हलाल कमा रहे हैं। ये सब गलत फहमी है सिर्फ इस वजह से कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 2 महीने बाद आप फिर सुर्खियों में आ जाएंगे जिस तरह आप अभी आए हैं। गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि जी महंगाई हो गई, रमज़ान आ गया, पहले से हैंडल कर लें, पहले से प्राइस डिसाइड कर लें, पहले से टीमें बना दें ताकि रमज़ान में महंगाई नहीं हो, वरना तैयार हो जाएं एक और हाईलाइटेड आपके अगेंस्ट इशू खड़ा होगा हर साल की तरह, फिर बकरीद आएगी फिर इशू खड़ा होगा। मुसलमान अपने इवेंट्स को बेच रहा है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे मुसलमानों को पकड़ें, एक प्रोसीजर लेके आएं जिसके तहत चीज़ें हमें पता हों। हमें ये तो चले इस्लामिक इवेंट्स की मैंने बात करी, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप फ्लैट लेने जाएं नहीं पता कितने का बनाए और कितने में सेल किया जा रहा है, आप गाड़ियां लेने जाएं कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि कितने का स्टेयरिंग लगा, कितने की सीटें लगी, कितने का लोहा लगा, कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्रॉस चेक बैलेंस नहीं है, इसी वजह से आज हज का यह हाल है, इसी वजह से रमज़ान का आगे यह हाल होगा, इसी वजह से बकरीद का आगे यह हाल फिर से होगा। और ये मौका परस मुफाद परस टोला इसी तरह आपसे और मुझसे फ़ायदा उठाता रहेगा। तो अगर ये चीज़ जो अभी तक किसी चैनल पर हाईलाइट नहीं हुई, किसी सोशल मीडिया में हाईलाइट नहीं हुई, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हाईलाइट नहीं हुई, अगर आपको समझ आए और आपको लगे कि ये हकीकी है और इस पर बात नहीं हो रही है, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को आगे कीजिएगा ताकि ये कंसर्न लोगों तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक पहुँचे। गवर्नमेंट जब टीवी पे पिन पॉइंट होती है तो हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन इसके पीछे छुपा ताजिर जो हमें डस रहा है महंगाई की आड़ में, प्रॉफिटेबिलिटी की आड़ में, हलाल रोजी की आड़ में, आगे रमज़ान भी आ रहा है, आगे बकरीद भी आ रहा है, आप ही भुगतोगे, मैं ही भुगतूंगा। बराए मेहरबानी इस वीडियो को आगे कीजिएगा ताकि ऐसे लोगों को लगाम दिया जाए। हज से लेके, रमज़ान से लेके, बकरीद से लेके हमारे इस्लामिक इवेंट्स की सेल रोकी जाए। अगर इस्लामिक इवेंट्स की सेल रुकेंगी फिर हम भी बात कर सकते हैं कि गाड़ियाँ इतनी महंगी क्यों हैं, प्रॉपर्टी इतनी महंगी क्यों है, फिर दूसरी चीज़ों पे आएंगे। पहले अपने दीन की सेल को तो रोकें, दीन की फरोख को तो रोकें। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो बहराए मेहरबानी इसको आगे कीजिएगा और ताकि ये कंसर्न लोगों तक पहुँच सके। हसन रियाज अदमानी, बहुत बहुत शुक्रिया।